क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी की गई है, या यूं कहूं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट वर्क है? नो डाउट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो दूसरे कंट्रीज से मेल खाते हैं। गाइस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो के एंड तक जरूर देखें। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये ब्लाइंडली किसी से कॉपी नहीं किया गया, बल्कि अदर कंट्रीज से बोरो किया गया। वेल, अब आप ये कहोगे कि ये दोनों वर्ड तो बिल्कुल सेम साउंड करते हैं, बोरो करना या फिर कॉपी करना, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा नहीं हुआ, फिर फर्क कहां है? फर्क है, बट इससे पहले हमें ये जानना होगा दैट व्हाई डू वी नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कुछ ऐसे कारणों से संविधान की आवश्यकता है। एक संविधान में एक देश के एक साथ रहने वाले लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित कानून होते हैं। यह सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास और सम्मान उत्पन्न करते हैं। यह किसी देश के लिए सरकार के प्रकार को निर्देशित करता है और इसे कैसे कार्य करना चाहिए इसे निर्देश करता है, और यही कॉन्स्टिट्यूशंस लोगों को एक साथ एक देश में जोड़े रखने में काफी हेल्प करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 ऐसे मेन कंट्री है जिनकी प्रोविजन ऐड की गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे और भी कंट्री है जिनकी प्रोविजन भी एडेड है, और इनमें से सबसे पहला नंबर पे आता है ब्रिटेन। वेल, वी ऑल नोज दैट ब्रिटिशर इंडिया पे 200 साल तक राज किए, और इसी वजह से राजनीति का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन से आता है, जैसे कि पार्लियामेंट्री हाउस कैसे बनेगी, आम आदमी के लिए कानून, ऑल्सो सिंगल सिटीजनशिप और कैबिनेट सिस्टम कैसे काम करेगी, ये सब ब्रिटेन की अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में से आया है। दूसरा है इम्पोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो फेडरल स्कीम, गवर्नर ऑफिशियल, जुडिशरी और पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी प्रोविजन को लागू करता है, और ये भी 1935 की एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है। इसके अलावा तीसरी जो मेन कंट्री है वो है आयरलैंड। राज्यसभा में मेंबर की नॉमिनेशन कैसे फाइल हो, प्रेसिडेंट की इलेक्शन मेथड क्या होनी चाहिए, ये आयरलैंड से बोरो की गई है। चौथा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका भी इंडिया की तरह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट यूएस से लिए गए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैसे फंक्शन करेगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कैसे रिमूव करना चाहिए, इसके अलावा ज्यूडिशरी सिस्टम कैसे इंडिपेंडेंट वर्क करेगी, ये सब यूएस से लिए गए हैं, सो दैट इंडिया के ग्रोथ में कोई भी रुकावट ना आए। फिफ्थ कंट्री है कनाडा। कनाडा से मोस्टली पॉलिटिकल रिलेटेड एक्ट ही लिए गए हैं, बिकॉज कनाडा के फेडरेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग सेंटर में से एक है, और कनाडा से बोरो हुए प्रोविजन है स्टेट गवर्नर को सेंटर में कैसे अपॉइंट करें और सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका को कैसे चुना जाए, ये सब कनाडा से आए हैं। छठी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इसके अलावा जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोरो किए गए। एंड सातवां है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जो अब रशिया है, वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडिया ऑफ जस्टिस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सब सोवियत यूनियन उर्फ रशिया से लिया गया है। इसके अलावा कुछ और ऐसे कंट्री है जैसे कि फ्रांस, जापान और साउथ अफ्रीका, यहां से भी कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन को लिया गया है, जिससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सोसाइटी काफी स्ट्रांग हो सके। वेल, ये थे वो कंट्री जिनसे प्रोविजन को बोरो किया गया, बट क्या ये ब्लाइंडली कॉपी किए गए? आइए अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। गाइज, ये वीडियो का एंड पार्ट है, एंड आई हैव अ पर्सनल रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले इंडियन कंडीशन को देखते हुए कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशन करके ही उसे बोरो किए, ताकि वो इंडिया में सुटेबल हो, और जो दूसरी कंट्री सेम फॉल्ट कर रही हो उस फॉल्ट को यहाँ पे ना देखने को मिले। जैसे कि कुछ लॉ है जिनमें कोडिफिकेशन किए गए, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, फेडरलिज्म, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा, ये सभी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और इंस्क्रिप्शन मींस शास्त्रों में आपको मिल जाएगी। ये कभी भी ब्लाइंड बोरोइंग नहीं थी, हम इसे इनोवेटिव बोरोइंग कह सकते हैं। उन्होंने इंडियन सरकमटेंस के बेसिस को आपके द्वारा पढ़े जाने वाले किसी भी आर्टिकल में हर जगह सुधार किए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड की मौजूदा मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन से रेफरेंस ली गई है, पर उनसे बोरो नहीं किया गया था। फॉर एग्जांपल, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इन विसागस बिल ऑफ राइट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें तो हमारे संविधान में सभी सिटीजन के अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य मींस फंडामेंटल राइट्स को भी ऐड किया गया। इसके अलावा अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे भी ध्यान दें तो कॉन्स्टिट्यूट अ सोवरेनियर एंड पार्लियामेंट सिस्टम इन इंडिया, हाउएवर इंडिया में कोई भी सुप्रीम किंग और क्वीन नहीं है, उसकी जगह पे प्रेसिडेंट है जिसे हेड ऑफ स्टेट भी कहते हैं, जो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्स की। वही अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, एंड यही रीजन है गाइज कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं थी, ना ही उन्हें हम बोरोइंग कह सकते हैं। यह पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन की डेडिकेटेड लर्निंग और स्टडी का नतीजा था, जिसकी वजह से हमें एक ऐसा डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूशन मिल पाया जिसके अंदर हर कास्ट, रिलीजन और सबके लिए इसमें एक जगह थी। एंड आई थिंक गाइस, यही डाइवर्स कल्चर और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी वजह से हम वर्ल्ड में शेयरिंग कल्चर के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर है। वेल, दोस्तों आपका क्या मानना है इसमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ में गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर।
कर दें। ऑल्सो एनी हाउ कुछ भी अगर थोड़ी मिस्टेक हुई हो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं उस पर सुधार जरूर करेंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।